फ्रेंड्स, आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार एक डिश बनने वाला है। वह है मटर पनीर। तो आइए, मैंने लिया है 250 ग्राम मटर और पनीर लिया है मैं 150 ग्राम। अब पनीर को पीसेस में काट लेना है। पनीर को मैं ऐसे छोटा छोटा पीस करके काट लिया। सारे के सारे पनीर काट लिया मैंने। आप दिखा देती हूँ इंग्रीडिएंट्स। ये है टोमेटो क्यूरी, 2 टोमेटो मैंने पेस्ट कर लिया, 2 प्याज पेस्ट करके रख दिया। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच और थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली का पेस्ट। ये है धनिया पत्ता, धनिया के पत्ते। ये है सोया सॉस, यह है फ्रेश क्रीम और यहाँ है टमाटो केचप। पहले मैं पनीर के साथ हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और नमक मिक्स कर लिया। गैस पर एक पैन दे दिया, उसमें पनीर को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। आप चाहे तो पनीर कच्चा ही पका सकते हैं, मैंने जस्ट थोड़ा सा सॉटे कर लेता है बस पनीर का कच्चापन दूर करने के लिए। इसको ज़्यादा फ्राई करना नहीं चाहिए। सारा पनीर मैंने एक साथ नहीं डाला था, आधा डाला था, बाकी आधा रह गया। बस इसी को फ्राई कर लेना है। अब दूसरा गैस में मैं एक कढ़ाई चढ़ा दिया, उसमें डाल दिया तेल। तेल गर्म होने के बाद प्याज की पेस्ट डाल दिया। अच्छे से भून लेना चाहिए। प्याज ब्राउन कलर होने के बाद उसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली पेस्ट इसका साथ ही जाएगा। और थोड़ा सा भून लेना है। अब दे दिया टोमेटो क्यूरी, फिर से भून लेना है।
डाल दिया थोड़ा सा सोया सॉस, आप दे दिया टमाटो सॉस, आपकी पसंद ज़्यादा है तो ज़्यादा डालेगा, मैं थोड़ी सी डाल दिया। धनिया पाउडर, धनिया जीरा का पाउडर 1.5 चम्मच, 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी की पाउडर डाल दिया। गैस की फ्लेम मैंने लो रखा, लगातार चलाना होगा। अब डाल दिया मटर, मटर डालने के बाद 2 मिनट भूनना है गैस की फ्लेम लो रख के। दिया 1 चम्मच फ्रेश क्रीम, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए। अब तमाम चीज एक साथ मिक्स कर लिया। अब ढक दिया, 2 मिनट कुक होने दिया। 2 मिनट के बाद अब इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी। पानी डाल दिया, फिर से ढक दिया और 2 मिनट के बाद चेक कर लेना है मटर ठीक से कुक हुआ कि नहीं, और थोड़ा बाकी है। अब फिर से चेक कर लिया, मटर भी कुक हो गया। अब डाल दिया मैं पनीर, पनीर मिक्स करके फिर से कुक करना चाहिए 2-3 मिनट। आप डाल दिए गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, डाल दिया धनिया का पत्ता। अब हो गया, गैस का फ्लेम बंद कर दिया, मैंने सर्व कर लिया। अब मेरी मजेदार मटर पनीर का सब्जी बनकर तैयार हो गया।